महान भूमिका है। अब आज सबके साफ साफ समझ में आओ ना, अब अजी हमारे साफ सुना था ना, चार लाइन भूमिका है, कहना है कभी का क्या कहानी, बिरहा के कहानी अगर दिमाग से हट गई तो उन प्रकाश यादव के बिरहा सुनल व्यर्थ। बिरहा सुनल व्यर्थ, बिरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगी हमारे, जैसे शीशा में सूरत लउकेला वही तरह हमारे बिरहा साफ साफ सबके समझ में चली। एक तरफ कौरव दल, एक तरफ पांडव दल, एक तरफ सत्य है तो दूसरे तरफ असत्य है, एक तरफ धर्म है तो दूसरे तरफ अधर्म है, लेकिन दोनों तरफ के वीर अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके तैयार है लड़ने के लिए। कवि जी वीरन के ऊपर कहलन तो हम वीरन खातिर एक बात कहिला, चाहे कोनो वीर हो कहे वीरन खातिर कहिला, आई हमार लाइन हाउ ओनली फॉर वन, इस लाइन को मैं कहता हूँ वीरों के लिए। क्या कहते हैं फिल्म का नाम अर्पण, एक लाइन तर्जमा तनी पढ़ के मास्टर। ये सुंदर पुष्पहार बहुत बहुत होगल। अब बिरहा पर तनी ध्यान रहे, सौ भाई कौरवों द्वारा भीमसेन बांध कर फेंक दिए गए। भीमसेन बहुत बहुत नागलोक में चलिए, नाग कन्या बेलावली छान दिहलक और नाग के अमृत के कुंड में डाल दिहलक। भीम का जब होश भई सारा अमृतवा पानी समझ के पी डल, कैलाश पर डोल गया, शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। इसीलिए भूमिका के लाइन में लिखा गया कि उधर फाड़ सारी निकाले, अइला न शंकर भगवान भीम को उधर फाड़ के सारा अमृत निकाल के बाहर कैलन और फिर होश में दे के उनके कैलाश पर्वत पर चल गए। भीम का होश हुई, अब भीम का नजर वही नाग कन्या पर पड़ल। नाग कन्या बेलावली पर पड़ल,
अनाथ कन्या बिलावली के नजर वही भीम पर पड़ गई, नयन चार भाई तब मोहब्बत का शुरुआत हो गई। तो मोहब्बत का शुरुआत भेल तो कभी यहाँ भोजपुरी के लाइन में श्रृंगार का भाव निकल किट्टी कुली के साना लगाई रे गुजरिया अनोखे के जनरवा है जियरवा में मारे बारा खबर से रस चिनावा बिताई रे गुजरिया के धीरा जवा भैया भवानवा चल भीम गोदी में ललना खेलाई रे गुजरिया नाग कन्या बिलावली से भीम से प्यार हो गए। प्यार भइले के नतीजा निकलल कि नाग कन्या बिलावली के पेट में भीम के शरीर से गर्भ रह गया। जब जब नाग कन्या के पेट में गर्भ रह गई भीम के निशानी प्यार का पले लगा लगा पेट में एक दिन भीम बोलौलन नाग कन्या बिलावली के कलन की सुनबू हाथ जोड़ के नाग कन्या बिलावली कलश की कहा कलन की देखा हमरे तइले बहुत दिन हो गए नाग लोक मिले बहुत दिन हो गई और भैया लोग परेशान हुए और भैया लोग परेशान हुए भैया मालिक तो तुम लोग मना करते हैं बार बार हाथ जोड़ते हैं बिन नाग कन्या बिलावली से भीम से कहलन कि हाँ नाग लोग पहले बहुत दिन हो गए आ भैया लोग हमारे इंतजार करत हुई हैं ते काम कर तू हम जात बानी भैया लोगन से मिले आ तू शांति का सपना देखिए शांति के नींद सोइया कौनो बात का चिंता मत करिया हम भैया लोग से भेंट कई के लवट के पुनः हम नाग लोक में आई देके धीरजवा भवनवा चलेलन भीम गोदी में ललनवा खिलाई रे वो तो भैया लोगों से मुलाकात करने के लिए चले गए कलंक हम नागलोक में लवट के आई लेकिन समय कुछ दिन बीतल जब 9 महीना का पीरियड बीत गई ए नाग कन्या बिलावली का नागलोक में को बड़ा सुंदर लड़का भई भीम का प्यार का निशानी लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गई आ जब लड़का बड़ हो खेल लगल तो लड़का एक दिन अपन पुरन की खेल जमा दिया उहे लड़कन में पुरन की खेल गुली डंटा वाली पहले गुली डंटा का खेल हो के आज होता क्रिकेट दे चौका मार छक्का हमनी के होश में हमनी के गुली डंटा खेली जाए अब मारी जाए अरे टाण से है गोल ऊपर कह के गुली के कुछ दूर जाए तक इनाय की एड़ी दौड़ी तिल्ली चौड़ी चंपा से छुट्टी आजकल क्रिकेट होता एक रन दो रन चौ चार रन पांच रन छह रन लेकिन उस समय गुल्ली डंडा के खेल तो वह पुरन की खेल गुल्ली डंडा वाली विजय बुलारा लेकर के खेल में खेलत बा कैसे खेलत बा बाबू प
करके काम खटियांगे खटियांगे नीचे बैठल सासु तनी कराना लेकिन गीत से सुंदर हमारे विवाह के लाइन मिल गई कि अरे लड़िकन सगा है विजय बुलारा लड़का का नाम विजय बुलारा रखल गया 13 बरिस के उम्र में खेलत बा का खेलत बा कि अरे लड़िकन सगा करे खिलवाटिया लड़िकन सगा करे खिलवाटिया हई पारी उमरिया गजब होगा। 10 लड़कन के टीम एक तरफ अकेला विजय बुलारा बार बार 200 लड़कवन के छकावे अचानक अब की फिर मुंह से ओकर आवाज आ गई कि बाप कसम खात बानी अब क्यों जरूर छकाई 200 लड़कवा छटक के ताना देवे न लगलन। ताना दे के एक बात कहलन का कि बाप का लड़का का क्रिया खैलस के बाप के लिए खातों ये बकियो जरूर छकाई 10 लड़कवा ताना देवे लगन के रण जे करे बाप का ठिकाना ना वो बाप क्रिया कैसे खात तोर बाबू हूँ अपने बाबू पर दिखले हुए कहाँ तोर बाबू हूँ अब तो लड़का लचार हो गया गुल्ली डंडा फेंक दिया विजय बुलारा 13 बरस के उम्र में गुली डंडा फेंक दिया और हमें से आंख में आंसू मोती जैसन आंख में आंसू लेके रोज चलल बा घर की ओर मताली दुआरी पर बैठल बे अपने बेटवा के कुछ दूर देखलस दौड़ के जाके दादा के माई के ममता वही बेटा के गोदी में उठा के अगना में घर के ले आई बे कलश की काम है बाबू के बोलल के मारल कैसन रोत हुए तू लड़का गोदी में उतर के रुक एक बात कह ले बाबूजी हमारा
लड़का रो कलश की माई बताओ ए दुनिया में हर लड़कन के बाप होवन का हम बिना बाप को बेटा ही हमारे बाबू ना हो लड़का के बात सुन के मतारी के आंख से आंसू चले लगे। विजय बुलारा के मुंह पर हाथ रखत में कलश कैसन काहे कहत हो कि तोर बाबू ना हो के कहत बा कि तोर बाबू ना हो सुन बतावत बानी तोर बाबू के माई रोत पे बतावत पे कि बाबू जी तो हार बाने बाबू जी तो हार बाने अरे हस्तिनापुरी में हो कलश की तोरे बाप का नाम बा भीमसेन जे करे पूजा में भाई में 60,000 हाथी के बलवा तोर बाबू एरू गेरू आदमी ना हुन एक बहुत बड़ा पहलवान हुन जे करे नाम से जेकर नाम सुन के दुश्मनन का कलेजा कांप जाला उ तोर बाबू तू कहते हुए कि तोर बापे ना हूं लेकिन तू खेतने बाबे था कि तू पेट में रह ले और तू पेट में रहला तार बाबू गोइले अपने हस्तिनापुरी भैया लोगन से मिले कई के गैलन के हमारे जरूर नाग लोक में लेकिन 13 वर्ष के दिन गुजर गए बेटा आज जब से तार बाबू गोइलन भैया लोग से मिले आज तक लवट के ना आई लड़का रोत बा मतारी के बाह पकड़ के गुबात कलश कलश की बाबू ना आई नहीं कई के नागलोक में ना आई नहीं तो सुन हमू तोरे बेटा नहीं हमू उन्हीं का बेटा नहीं हमरो शरीर में उन्हीं का पूरा हो ना तो सुन एक बात तरज बा का तरज कराई बा तरज हो आज लड़का रो के विजय बुलाना बतावत और मतारी से कहले बका कलश के उनहीं के बेटा हम है ना जेकर नाम भीम बाजे तना बड़ पहलवान हो पहलवान हो ते माई हम जात बानी आ जात बानी बाबू के पाई पकड़ के तोरे आंगन में ले आके जब तक खार न कर हम तो असली बेटा ना लड़का चल दिया बाबू पिता की खोज करने के लिए हस्तिनापुरी को चल पड़ा 13 वर्ष का विजय बुलारा आज जब चलल बा उस समय कवि जी तेरी के अंदर भाव ध्यान संजोग वियोग दोनों पढ़े लिखे साथी ध्यान देंगे हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया तेरी के अंदर क्या से कमल प्यार सूरज से मिलन लड़का चलल है कभी जी भाव दिहलन है कि उदगार लिए
उजगार लिए वह लाल चला सुनसान डगर नहीं कोई सहारा दिल में कहां तक मोड़ लेते ये हमारे खासियत होला गाना में हमारी कहानी विराह की कहानी कहां से कहां तक मोड़ लेती। लड़का धीरे धीरे 13 वर्ष की अवस्था में पहुंच गई हस्तिनापुरी के मतारी के बतौले के अनुसार सोचत बाकी यहाँ का राजा हुई हम हमारे बाप जबकि वहां का राजा उस समय दुर्योधन था। दुर्योधन के दरबार में जाता है वो छोटा सा लड़का ये समझकर कि मेरा यही बाप भीम है। दरबार मझा दरबार मझा रघु कार मेरे हम लाल पहुंच गया। दुर्योधन के जाकर के चरण को छूता है चूम रहा है। दुर्योधन अवाक है सोचने लगा कि ये कौन सा बालक है कौन सा लड़का है। बोला कि बेटा कैसे आए हो कहां पर किससे मिलना है। छोट लड़का 13 वर्ष के स्वभाव लड़का का स्वभाव कलश के तुना पर चढ़ हमन के माई बेटा के ठुकरा के यहाँ का राजा बनल हुआ ऐसा आलिशान मन में राज करत हुआ कबो सोचला कि माई कैसे रहे ले। खैर हमार बात छोड़ दा लेकिन माई के विषय में तो सोचे का चाहिए। आवाक है दुर्योधन सोचता है कि क्या पक रहा है। कलश क्या लड़का अपने बाप का नाम बता तू किसका बेटा है। कलश की सुना सुना हम बताओ थे बाबू का नाम बताओ थे और तू जान दी के कर ले का है। का लड़का कहत बा कि मेरे भी भीम पिता मेरे भी भीम पिता मासुता यही की तही नाम भुआ लहना बाप का नाम बा भीमसेन मतारी का नाम बा नाग कन्या बिलावली। ए बाबू अब तक तू पहचान गए बाबा कि हम तुम्हारे बेटा हैं। दुर्योधन आवाक है कि पांचों पांडव ही तेरे जान का दुश्मन फल होन पांडवन का बेटा कठवा दुश्मन तैयार हो गए मरवाना जरूरी है। देखे दुर्योधन गद्दार गद्दारी करता है उस 13 वर्ष के बुलावा के साथ कहता है कि नहीं बेटा तुम गलत फहमी में आ गए मैं तेरा बाप नहीं हूँ लेकिन तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाएगी एक काम करना होगा। क्या कहे बाकर दुर्योधन तरज बा बड़ी पुरान तरज नदी तिरावा जनी जई हा पालन मोबार बार पैया परवन। लेकिन हम ज्यादा टाइम नहीं लिखी जहाँ गीत से सुंदर हमारे विवाह का लाइन दिखल गई। दुर्योधन कहता है कि बेटा तेरा बाप भीम से मिल जाएंगे लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या कि अंगद सवा अरे अंगद सवा चली जाई बापे ता मिलाना वाह
बताओ। दुर्योधन कहा कि बेटा तेरा बाप मिल जाएंगे, अंग देश में चले जाओ, अंग देश का राजा हूँ, अंग देश के तार बाबू राजा हूँ, लेकिन जाके वो काम करे के पड़ी कि लोहे का घंटा बजाई देश का राजा करण था। करण के दरबार में टूटे घंटा टंगल रहे, एक लोहे के घंटा एक पीतल का घंटा। जे केहू दरबार में जाके लोहा के घंटा बजावे, करण समझता था कि कोई मेरा दुश्मन लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है, लड़ने के धनुष बाण लेकर के लड़ने की तैयारी में आता था। और जो कोई पीतल का घंटा बजाता था, करण ये समझता था कि मेरा कोई हित मित्र दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है, अपना अस्त्र शस्त्र रख करके आता था। देखे हैं दुर्योधन गद्दार गद्दारी कर दिया, लड़का से बोला कि बेटा जा करके अन्य देश में राजा के दरबार में लोहे का घंटा बजाना, तेरे पिताजी जरूर तुझसे मिलने आएंगे। करण थोड़ा हे दुर्योधन के बतौले से लड़का मालूम तो जरूर है, लेकिन क्या करे, छोटा सा बालक है। दुर्योधन के दरबार से निकलता है, अंग देश की ओर चल देता है, लेकिन दुर्योधन गद्दारी कर दिया है कि पीछे से दुर्योधन दुशासन को लगा दिया कि जा करके देखो कि लड़का बचता तो नहीं है, लड़के को किसी तरह से बचने मत देना, मरवा देना, नहीं तो छठवां दुश्मन तैयार हो जाएगा। लड़का के पीछे दुशासन लग गल, लड़का जात बा करण के दरबार में पहुंचल बा, आ जब करण के दरबार में पहुंचल बा जाके लोहा के घंटा लगल तड़ातल बजाओ, कैसे घंटा बजाओ तो बढ़ के नाम और करण मतलब कान, हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। जब करण के करण में पहुंचा है तो हुआ क्या बाबू, जब ही लोहा घंटा के आवाज करण के कानों तक पहुंचा है, समझ गया करण कि कोई लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। धनुष बाण लेकर के करण महल से निकलता है, लड़का जब देखल धनुष बाण करण के हाथ में, आंख में खुशी के आंसू छलक पड़ल, सोचत बात यह है माई ठीक कहले रहल कि तहर बाबू के पूजा में 60,000 हाथी के बलवान, बहुत बड़ा पहलवान हमन, अगर बाबू पहलवान ना रहतन तो धनुष बाण दे के नहीं निकलते। जब जनलन के उनकर बेटा मिले आई बात तो धनुष बाण दे के निकलत हमन, दौड़ल हो छोट लड़का और जा करके करण के दोनों पैर पर गिर जाता है, पैर पर चूमने लगा।
बड़ी आवाज है कि ये छोटा सा लड़का लड़ने के लिए चुनौती दिया और जब मैं लड़ने आया तो मेरा चरण चूम रहा है, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। लड़का को उठाता है करण, कहता है कि बेटा कहां पर आए हो, किससे मिलना है? कलश की हाँ अब तू ना पहचान ना चिन्ह, ऐसे कि तू हमें देख ही ना हुआ तो चिन्हवा कहां से, लेकिन माई का तो देखने हुआ ना। लड़का को स्वभाव माई से कही क्या बने कि बाबू आप पकड़ के तुरे अपना में ले, बाबू से बाबू तू माई से कही कहला कि हम मिले आए, लेकिन आज तक ना गईला मिले, हम तोहर बेटा है। करो है, कहता है के लड़का तू मेरा बेटा कैसे हो सकता है, मैं नहीं पहचानता हूँ तुझे, बाप का नाम बताओ, तेरा बाप का नाम क्या है? नतीजा निकला क्या? कलश की सुना हम बतावत नहीं पर जा हमारे बाप का का नाम बा हमारे बाप का नाम बाभीम सिंह, मतारी का नाम नाग कन्या बिलावली, हमार नाम बा विजय बुलारा, हम तो पहचान के लोग हम तो हर बेटा है। करण कहले कि नहीं बेटा, देखे करण के दिल में दया आ गई, चूंकि करण जानता था कि हम लोग एक ही हैं। करण कहता है कि बेटा मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तेरा बाप नहीं हूँ, लेकिन तेरा चाचा जरूर हूँ, तेरा चाचा लगूंगा, आओ एक बार प्यार से मेरे सीने से निपट जाऊ बेटा। क्यों कि बड़ी भाग्य से तू आया है मेरे राज दरबार में, हो सकता है फिर तुझसे मुलाकात हो या न हो। देखे चाचा का उद्गार अपने भतीजा पर उमड़ गए, कलन की कोनो घबराइले के बात नहीं हो, तू गलत जगह नहीं आया है, आया है तो कोई बात नहीं और कहीं जाना भी नहीं है तुझे, सुबह का टाइम हो चला है बेटा, तेरे पिताजी बहुत बड़ा पहलवान है, अखाड़े पर दो चार शेलों को लेकर के लड़ाते होंगे, सवेरे में का टाइम बा बतावत हो, का बतावत फोन करो
टाइम पर सवेरे के टाइम पर चल जा, एक बार सीना से लग जा और सीना से लग के चल जा, तुम्हारे बाबूजी पहलवान आदमी हो, अखड़वा पर याद पानी बनाओ थी वहां भेंट हो जाए। अच्छा से करण के पैर दोनों चुमत हो, छाती से लगल बा और करण उठा के छाती से लड़का के लगौले बा, जमीन पर रखलन तो दोनों लड़का पैर करण के चुम लिहलस। कलश की चचा बड़ा एहसान भल हमके बता दिया तो उसे भेंट भी हो गल, और जाते ही बाबू से मिल के और फिर आई हो सके थे तो उसे मिल के हम नागलोक में जा। करण सोचत बा कि कितना सुंदर लड़का हो, दरबार से निकलत बा करण देखत बा आंख से दोनों आंख से कि हमरे खून खानदान हो, लेकिन अगवा जब चलल बा खाड़े की ओर नतीजा निकलल का भैया हमरे विवाह के मेन पॉइंट हो, 2 मिनट में विवाह खत्म हो तो और विवाह के मेन पॉइंट हो का हो। 1 रुपए का पुरस्कार बड़ा बड़ा देखा तो मास्टर जनबे करेला, तू जाने ला जल्दी हम चढ़ी लेना, तू तो जनते बड़ा बहुत बचपन से हुआ सब, जल्दी हम चढ़ी लेना चढ़ी लाते जल्दी हम चढ़ी लेते मास्टर का जिंदगी ले वो मास्टर पे चढ़े का थे घोड़ा उड़ा हूँ, अरे ऊपर ले करिया ना भीतरों ले करिया है, इसका नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम काला है। स्केल के हम बात करते हैं, पत्ती के बात करते, हारमोनियम के बात करते हैं। आवा आवा गद्दार किए तो लड़का बच गया, बच जाएगा, छठवां दुश्मन तैयार होगा, मरवाना जरूरी है। पहुंचल लड़कवा के पास आ कहलस की बाबू बाबू से मिले आई हुए, अपने बाप से मिले आई हुए भीम से। कहलस की हाँ देखला कहा हमारे बाबू भीम का कहा मिली हम। कहलस की चल दुशासन कलन की चल तो हम भेंट करा दी, दुशासन लेके जाते हलन ओ लड़कवा के, तब तक ओहर से सुभद्रा जी लौट के आवत रही, घरे लौट के जात रही, बीच रास्ते में भेंट हो गई। बातचीत के दौरान पता चलल कि भीम का बेटवा बा नाग लोक से आई बा बाबू से मिले खातिर, बाई पकड़ लिया सुभद्रा जी आ कहलिन की कहाँ जात हुआ, अब सवेर हो गई थे तहार बाबू लड़ भिड़ के धूर माटी लगवले घरवे नहीं हन, अगर नहीं दोनों मुँह के घरे आवे के बेरा हो गई, तो एक काम करा कि तू यही पेड़ के नीचे बैठ, एक पेड़ के नीचे लड़कवा को बैठा दे, कली के खड़े पर गई आगे कोई जरूरत नहीं हो,
तार बाबू घरे आवे का टाइम हो गई बा, यहाँ नहीं भेंट हो जाई तो पेड़ के नीचे बैठा, हम तनी महल में जाके खबर जना दी कि नाग लोग से भील का लड़का आएगा, पहले पहल का लड़का हुआ तो आरती उतारल जाइए, करी बात करी प्रवेश करावल जाइए, वो तो महल में खबर जनावे चल गई, लड़का वही पेड़ के नीचे बैठल बा, लेकिन दुशासन गद्दार गद्दारी कर ही दिया, दौड़ल बा दुशासन और भीम के लगे पहुंचल बा, कहत बा जाके का कहले बा कि दौड़ी के शासन कलश करे मर्दवा यहाँ रियाज पानी बनाओ, शरम नहीं खेब चुरुआ भर पानी में डूब के मर्दा कलन की का भई रे, भीम कलन की का भई, कलश की ओर एक थे दुश्मन आके तहार ललकारत बा, कोई पेड़वा के नीचवा कहत बा कि आज भीमवा के लिए लौक जाई तो ओकर को पड़ौर भूकवा झार दिए, अब तो भीम सेन बिना तेल के पकौड़ी हो गई, पहलवान आदमी दिमाग उलट गई, दौलन वही तरह लंगोटा जगिया कसले कैलन है का कि बदलना चुनौती दे तो कोनो दुश्मन भीम से लड़े के तैयार ना भई, कवन चुनौती दे तो दौड़लन है पेड़ की ओर, दौड़ जात हमन तब तक अचानक वो छोट लड़का का नजर भीम पर पड़ गई, देखलस पेड़ के नीचे खड़ा हो गए, बैठल रहे तुम खड़ा हो गए, सोचे लगल कि माई ठीक बात कहत रहल कि तोर बाबू बड़ी बहुत बड़ा पहलवान होन, उनका भुजा में 60,000 हाथी के बल बा, देखा हमर बाबू जब सुनलना कि उनकर लड़का मिले आई बा नाग लोक से तो लंगोटा जमिया कसले धुरिये गदा लेले हमरे वो दौड़ लावत हो मिले खातिर, लड़िकवा में इतना उद्गार आ गई बाबू कि लड़िकवा वो पेड़वा के नीचे नाचे लगल, का कह के नाचत बा कि बाबूजी हम बाबूजी हमारे पहलवान होन, बाबूजी के पांच पकड़ के ले चल के माई के अंगना में खड़ करो, एक भाई के लड़कवा पेड़ के नीचे नाचत बा, लेकिन अचानक भीम का नजर वही लड़का पर पड़ल बा, आ लड़का पर जब भीम का नजर कुछ दूरे होन पड़ल बा, देखा तो उनके उन लड़कवा नाचत बा, हमके देख के खुशी में झूमत बा, पहलवान आदमी भक दे इनकर दिमाग में उलट गए, सोचे लगल का सोचल कि हमर सत्य हिम्मत चुनौती देवे लगल, हमसे लड़े खातिर खुरचाली करे लगल,
दिमाग में आ गई भीमका की तरह लड़े खातिर चुनौती देत हो सही है तू शासन कहत रहल क्या सुनत थमन भीमसेन की हम सत्य में भीम निर्दयी भीमसेन कुछ नहीं आगे पीछे सुचलन वही 13 बरस के उम्र के लड़का के ऊपर जाके गदा प्रहार कैलन। अरे जब गदा लगल तो लड़का 13 बरस के भीम का गदा बर्दाश्त कर धरती पर गिर गए सर सट गया लहू लुहान धरती हो चुका अब सोच ला कि हम कैसन गावत है कैसन गाना हो क्या हा 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 क्या बात है। अरे बगल में दुकान है धनी हवा भैया धनी हवा लो तनी बात समझ ला मरलन गदा 13 बरस के लड़का के गदा के वार न बर्दाश्त हुआ गदा न बर्दाश्त कई सब छट गया लहू लुहान धरती हो गई लेकिन एक तक कोई भीम का तिकवत हुआ हाथ जोड़ ले बा आंख से आंसू चलत बा एक के बात कहत बा कि बाबू ई का कई बाबू ई का कईला हम समाई से कई के आई रही बाबू कि तोरे आंगन में उनकर बाई पकड़ के ले आके खड़ा कर जोन कहला ठीक कहला बाबू अब तो हम बच ना पाई लेकिन एक काम करिया कि तू नाग लोक में जरूर चल जे आज भी माई तो हर बैठ के दुआरी पर रास्ता तिकवे ले कि केनियो ले तोर बाबू जरूर रही ए बाबू जरूर चल जी है नागलोक आ माई से हमके बतैया मत हमारे बारे में कि तोर विजय बुला रहा है दुनिया में ना नहीं तो माई पगली बन के मर जाएगी बर्दाश्त न कर लेकिन हाय रे भीमसेन इतना बात लड़का रो करके कहता है फिर भी भीमसेन के सीने में दिल में कोई दया नाम की चीज नहीं है। भीमसेन दूसरी गदा उठा दे तू सरकार का दाव ठोरन चलावे खातिर आ जब तू सरकार का दाव ठोरन चलावे खातिर तब भीमसेन कह जाता बाबू कितना तू दूसर का गदा उठाए और दूसरा गदा उठा करके सीने पर प्रहार किए 13 बरस का विजय बुला रहा इस दुनिया को कर छोड़ दिया छोड़ चला लेकिन बार बार यही कह रहा था कि बाबूजी का कहे बाबूजी का कहे हम तो तुहार बेटा ही तो के मिले खाती आई रही माई से वादा कहले रही लेकिन माई से मत बतैया कि तुहार विजय बुला रहे दुनिया में ना हूं न तो माई मर जाइए एक बेर जरूर नाग लोग के चल जाइया माई पागल बन के दुआरी पर बैठ के तार रास्ता खोजे
यही कहता हुआ विजय बुलारा इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। भीमसेन गदा उठौलन दुर्योधन लंगोटा जंगिया कसले झूमत महल की ओर चल दिहलन। सोचे थुवन की सरुआ ही रहन लड़े बने आ दुई गदा में टाई बोल दिहलन। झूमत जा थुवन लेकिन और से सुभद्रा जी पूरा परिवार के समेत महल से निकल के आरती के थाल सजा के हाथ में आरती का थाल लेके वही लड़िकवा का आरती उतारे आवत रही। लेकिन भीम तो लड़िकवा को पहले ही आरती उतार चुकल है। जब आज भीम का पता चलल कि आज हमरे हाथ से हमरे बेटा का दुशासन मरवा दिया रस दौड़ल गईलन है आ दौड़ के जाके 13 वर्षीय विजय बुलारा के मरल लाश लेके छाती से लगा के हाय बेटा कई के रोत हो। लेकिन अब क्या पछतायो जब चिड़िया चुन गई के आज सीना में लगा के रोत हो। आरो के एक बात कहलन का कहलन कि अरे भाई क्या खबरिया अंतिम कड़ी चलत हो। एक मिनट प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई एक मिनट केवल। आज भीम से रोत हो लेकिन उनके भीम के बीतल बात याद आवे लगल कि अभी तो गद्दार गद्दारी किया था दुशासन कि भरी समाज में द्रौपदी का चिरहरण किया था वो है बदला लेवे के रहल तो दूसर का दगाबाजी कह दिया कि हमारे हाथ से बेटवा का जान मरवा दिया। तब भीमसेन प्रण कैलन का कि द्रौपदी के साड़ी वाली खटकले भातिया तू सुतर का बाजी कैला पापी कुल भातिया और किया ब्राह्मण बाप किया ब्राह्मण बाप एकर बदला चुकाई के गोदी में लड़नावा गोदी में लड़नावा के लसिया बदला जरूर लूंगा। और वही जब महाभारत का युद्ध छिड़ा है बाबू तो महाभारत का युद्ध छिड़ा तो प्रमाण मिलता है कि भीमसेन पहला गदा दुशासन के यही जंघा पर चलौलन और दूसरा गदा सर पर मरल। हमारे विरहा का अंतिम लाइन वह बदला चुकौलन। हमारे विरहा का अंतिम लाइन रह ठीक लागल भैया विरा ठीक लगल तो ये सबसे बड़ा दौलत हो सबसे बड़ा इनाम हो गया। आप लोग कह दिया कि नहीं विरा ठीक लगल गवैया गवलस आप सुनवैया अगर निक लग गई तैसे बड़ा गवैया खाती दौलत कुछ न बा पैसा कौड़ी तो हाथ के मई बा आज हमारा पास बा कल तारा पास बा परसों तुम दूसरा के पास नहीं। तो आप लोगन बहुत दियला शोहरत दियला एकरा से बहुत दौलत का बा ओम प्रकाश का भी बहुत ज्यादा बाटे बहुत बहुत आप लोगों के हम प्रणाम करत बानी धन्यवाद। जय जयकार गुरुदेव तू लौटन लालता फड़क में दो श्री नारायण गंगा सागर अनुज लाल जय बोले।